दोस्तों आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी की पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन होने वाली है कि प्रोटीन यूरिया क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, इसके साइंस सिम्टम क्या होते हैं, कितना इसका रेंज होता है, और हम लोग लास्ट में ये भी देखेंगे कि इसमें कौन सा डायग्नोसिस आप करवा सकते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, शेयर इस वीडियो को जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको केवल केवल हेल्थ से रिलेटेड जेन्यून जानकारी ही मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं प्रोटीन यूरिया। फ्रेंड्स, देखा गया है कि अगर आपके यूरिन के अंदर यूरिन से प्रोटीन की मात्रा पास होना बढ़ जाएगी तो उस केस को ही हम लोग प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर दो प्रोटीन सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन उन्हीं का होता है, एक एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है। अगर एल्बुमिन ग्लोबुलिन है, इनके चार्ज और साइज इनको बैलेंस किए रहते हैं। हमारे जो किडनी है, किडनी को आप जानते हैं, सामान्य भाषा में इसे कहते हैं कि ये इसका काम छानने का होता है, ये छानता है आपके ब्लड को अलग करता है और जितने भी यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं अननेसेसरी उनको अलग करके बॉडी से निकालता है। फ्रेंड्स, उसके अंदर छोटे 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 ऑरिफिस यानी छेद होते हैं और उसे पोडोसाइट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स होते हैं, उसको बैलेंस करके और रीअब्जॉर्व करके रखे रहते हैं। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि कभी कभी प्रोटीन जो है, अगर एक्सेसिव प्रोटीन्स आपके बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होना शुरू हो गए हैं, तो अगर उनका साइज भी 20 किलो डाल्टन से कम है तो वापस रीअब्जॉर्व हो जाएगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो पास आउट होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका अदर भी फीचर्स क्या होता है। हमारा जो बैरियर यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन्स हैं और उस बैरियर के अंदर डिस्ट्रप्शन हो जाता है तो प्रोटीन जो है आपके यूरिन से पास आउट होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके रेंज के या टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं माइक्रो एल्बुमिनूरिया में। माइक्रो एल्बुमिनूरिया में फ्रेंड्स, अगर 30 से लेकर के 300 mg पर डे प्रोटीन पास आउट होना शुरू हो गया है, अगर वो एल्बुमिन हो, ग्लोबुलिन हो, कोई भी हो, अगर प्रोटीन पास आउट शुरू हो गया है तो उसको माइक्रो एल्बुमिनूरिया केस बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इसका कारण क्या होता है। अर्ली स्टेज ऑफ डायबिटीज हो सकता है, इंसेशेंट हाइपरटेंशन हो सकता है, या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं मैक्रो एल्बुमिनूरिया में। फ्रेंड्स, मैक्रो एल्बुमिनूरिया के अंदर 300 से लेकर के 3500 mg पर डे के हिसाब से अगर प्रोटीन पास आउट होगा तो आप मैक्रो एल्बुमिनूरिया के शिकार हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके पीछे इसका कारण क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, के अंदर आपको कोई इन्फेक्शन कारण हो सकता है, फीवर हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा हाई एक्सरसाइज कर रहे होंगे, और या फिर पोस्ट यूरल प्रोटीन यूरिया भी इसका कारण होता है। अब हम बात करते हैं कि नेफ्रोटिक रेंज है, तो अगर 3500 mg पर डे के से ज़्यादा अगर पास आउट होना शुरू हो गया तब हम उसको नेफ्रोटिक रेंज कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर इडिमा यानी जगह जगह ये आग के नीचे यहाँ पे सूजन शुरू हो जाता है, पीडल इडिमा हो जाता है यानी आपके जो पाँव है उसका जो नीचे वाला तलवा है वो उसके अंदर पूरा वो सूजन हो जाएगा, यानी जगह जगह आपके बॉडी के अंदर सूजन शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है उसके अंदर डिस्ट्रप्शन कॉज हो जाता है, और जो एल्बुमिन होते हैं यहीं इसको संभाल के रखते हैं, और ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी वगैरह भी इसका एक कारण हो सकता है। और अब हम बात करते हैं कि अगर ग्लोबुलिन आपके बॉडी से ज़्यादा आ रहा है फ्रेंड्स, तो आपके अंदर इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ये ग्लोबुलिन ही होते हैं जो IgM, IgA, IgG वगैरह ये सब का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके साइन और सिम्टम क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अर्ली साइन और सिम्टम में इसमें पेशेंट वेट लॉस वगैरह ये आपसे चीफ कंप्लेंट के अंदर कर सकता है, इडिमा हो सकता है, उसको हाइपरटेंशन हो सकता है, या फिर उसको लॉन्ग टर्म इलनेस कोई हो सकता है, क्रिएटिन का लेवल भी इसमें प्रमुख कारण देखा गया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन है। तो इन्वेस्टिगेशन क्या होता है दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन में LFT होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर रीनल RFT होता है, रीनल फंक्शन टेस्ट भी चेक किया जाता है, साथ में CBC भी करवाते हैं, और USG भी हम लोग करवा के देखते हैं कि उसका कारण क्या हो सकता है।